जय श्री राम भैया। तो आज पहुंचे हैं केशर एग्रो बदनावर जिले में, ठीक है। तो खेती के काम में आने वाले लगभग सारे इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, चाहे पंजे से लगा के, तोता पंजा से लगा के, वो रोटावेटर हो, ठीक है, सीड ड्रिल हो, स्प्रे पंप हो, प्याज चोपने की मशीन हो, ठीक है, हार्वेस्टर हो, है ना, हर प्रकार की इनके पास डीलरशिप है, ठीक है। और यूँ समझ लो कि एक ही छत के नीचे कृषि कार्य की जितनी भी इम्प्लीमेंट्स हैं, कृषि कार्य में उपयोग में आने वाले जितने भी इम्प्लीमेंट्स रखते हैं, और ऐसा भी नहीं, बिल्कुल ही जो ब्रांड सिलेक्टेड, ठीक है, जैसे तोता पंजा हो गया, भू का केस, महिंद्रा, ठीक है, ये केस हार्वेस्टर, धरती एग्रो की सीड्रिल, उसके बाद एसपी एग्रो का प्लांटोमेट, प्याज चौपाई जो चोंच वाला चला था अभी, ठीक है, भूसा काटने वाली मशीन और खाद उड़ाने की मशीन, यानी कि लगभग सारी चीज़, है ना, एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। तो आज हम चीज़ देखने वाले हैं भैया, एक मल्टीपर्पज़ सीड्रिल, है ना, यानी कि हर प्रकार की फसल बारीक से लगा के तो लसन तक, ठीक है, बारीक मतलब जैसे प्याज का कण हो गया, है ना, कलौंजी हो गई, आपका शलजम हो गया, यानी कि जो बारीक से बारीक जो चीज़ें हैं उनसे लगा के तो लसन की कली तक, उसमें गेहूं भी आ गया, सोयाबीन भी आ गया, और बहुत सारी जैसे करीब 16 प्रकार की फसलें, है ना, अलग अलग सेटिंग पे 16 प्रकार की जो फसलें हैं ये सीड्रिल लगाएगी। तो हमारे क्षेत्र में तो ये लगभग नई है भाइयों, मैं खुद भी इसको पहली बार देख रहा हूँ। तो बढ़िया ब्रांड है, है ना, धरती एग्रो जो है इसकी प्रीमियम सीरीज़ ये बनाते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी, ए टू जेड जानकारी हम यहाँ के ओनर से लेंगे, ठीक है। हाँ भाई साहब, नमस्कार, क्या नाम लिखते हैं और अपने फर्म का नाम क्या है? मेरा नाम शुभम जाट है जी, केसर एग्रो के लिए सेल्स देखता हूँ जी। जी जी, मेरा नाम केसर एग्रो है, ठीक है। दो ब्रांचेस है सर, एक तो बदनावर में है, एक रतलाम में है जी। जी, हम संपूर्ण तरह के कृषि उपकरणों में डील करते हैं, बिल्कुल, आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास हार्वेस्टर लगाकर महिंद्रा के रोटावेटर, केएस के रोटावेटर जी, धरती के सीड्रिल है जी, उसके बाद ऑनियन प्लांटर है जी, और हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग में बना हुआ है स्प्रे पंप जैसे सम्राट युवराज। तो कुल मिला के सर के पास यूँ समझ लो के बिल्कुल ब्रांड का कलेक्शन कर रखा है भाई साहब ने, ठीक है। तो सर, हर 15 किलोमीटर पे सीड्रिल बन रही है जी सर, है ना, अपन देख रहे हैं कि वहाँ भी बन रही, वहाँ भी बन रही, वहाँ भी बन रही। मैं देख रहा हूँ सर इसमें, जैसे ये आपकी सीड्रिल है, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, ठीक है, कुछ अलग मेरे को लग रही है, मेरे को ये इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है सर। तो छोटी से लगा के बड़ी जानकारी आप बिल्कुल विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, डिटेल जानकारी बनाएंगे बिल्कुल। आजकल हमारा जो इम्प्लीमेंट वाला सेक्शन है जी, उसमें सबसे अंडर डेवलप्ड और कम टेक्नोलॉजी का यूज करके जो चीजें, हाँ, जो अभी भी 1990 या 2000 के ढर्रे पे चीजें बन रही है जी जी जी, वो है सीड्रिल जी। प्लांटिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई भी लोकल मैन्युफैक्चरर कोई भी इनोवेशन करने से कतराता है। ये धरती एग्रो की सीड्रिल है इनके अंदर, जो इंडिया में अभी प्लांटिंग के सेक्शन में सबसे ज्यादा इनोवेशन कर रहा है, इनके पास 2500 तरह की सीड्रिल मिल जाती है, और एमपी के मालवा में हम इनके डीलर हैं जी। इसके अंदर आपको चीजें दिखा देते हैं सबसे। तो शुभम भैया, अपन इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत सबसे पहले हम सीड बॉक्स से करेंगे जी। इसका सीड बॉक्स जो है वो स्टील से बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील जो होता है, देख सकते हैं आप, देखते हैं कि पेटी आप जब सीड्रिल चेंज करते हैं जी, तो कई बार ऐसा होता है चेचिस रखा रहता है, हम पेटी चेंज कर देते हैं, कई बार 7-8 साल पुरानी में हमको पेटी चेंज करने की जरूरत पड़ती है, और सबसे ज्यादा सड़न की समझ आती है फर्टिलाइजर बॉक्स में, इसकी है ना, इसमें बिल्कुल सड़ जाती है। जो लोकल ब्रांड यहाँ पे चल रहे हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, उन सब में आप देखोगे कि ये जो है यहाँ से सड़ जाता है, बिल्कुल सड़ जाता है, वो खाद की वजह से, केमिकल की वजह से सड़ जाता है। एसएस की पेटी में आपको इस तरह की समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल
समाप्त हो जाएगी। दूसरी चीज हम इस पर कुछ पहले मोटे मोटे तौर पर पॉइंट आउट करेंगे तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पे बात करेंगे सर। यह धरती एग्रो की बनी हुई है, राजकोट में इसका मैन्युफैक्चरिंग है, ये पाउडर कोटेड है, पाउडर बिल्कुल सामने दिख रहा है, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट का काम कर रहे हैं सर जी। ये एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो सिड्रिल के अंदर पाउडर कोटेड दे रहा है। अच्छा, आजकल रोटावेटर को छोड़ के और किसी भी चीज में पाउडर कोटिंग इंप्लीमेंट नहीं आती, बिल्कुल बट इसमें पाउडर कोटिंग आ रही है। अब इसके बाद आप यहाँ पे आके इसको देखेंगे तो इसकी जो पेटी है ये डबल पेटी सिड्रिल और इसकी दोनों पेटी अलग अलग है। हाँ बिल्कुल सेपरेट है, ये वाली अलग है, ये वाली अलग है, बिल्कुल। आप दूसरी मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे तो वो सिंगल पेटी होती है, उसी के अंदर पार्ट करके, उसी के अंदर पार्टीशन करके दो अलग अलग पेटी करते हैं। जी जी, आप इसको देखेंगे इसका ऑपरेटिंग भी दो अलग अलग चेन से पूरा अलग है, सेपरेट है, सेपरेट है। तो जब आपको एक पेटी का उपयोग नहीं हो जी, आप उसकी चेन गिरा के रख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी ज्यादा वियर एंड टियर जबरदस्ती नहीं हो, जबरदस्ती की नहीं होगी, जबरदस्ती बिल्कुल बिल्कुल। सर हम अगली चीज पे जाते हैं तो हम इसकी व्हील पे बात करेंगे जी। व्हील इसके अंदर हमने स्पेसिफिकली कंपनी से डिमांड करके अपने क्षेत्र के लिए मालवा के लिए डबल व्हील बनवाया। अच्छा, ताकि एक के अंदर मिट्टी फंस भी नहीं गई तो व्हील आपका रुकेगा वो दो बन के, मतलब रोटेट करता रहेगा। आप उसकी वजह से आपकी प्लांटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सारी जो सिडिल है इंस्टॉल हो रही है भाइयों, ठीक है, हर चीज का वो कर लेते हैं। सिडिल पे आगे की बात करते हैं, सिडिल में दूसरी चीज जो सड़ती है बेटी के अलावा जो सड़ने की समस्या आती है वो इनमें आती है, ये वाले जो बॉक्स होते हैं जिससे नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है। इसको कंपनी ने स्पेसिफिकली फाइबर का बनाया है। अच्छा, और ये फाइबर की हम पूरी गारंटी देते हैं, ये धूप में ठंड में किसी भी तरीके से खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा, अच्छी बात है। इसके बाद अब गाला सेट करने की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से गाला सेट होता है, कई सिडिलों में होता है कि ये और ये दो अलग अलग पार्टीशन होते हैं। हाँ, हाँ, ये दोनों अलग अलग ही पार्टीशन होते हैं, 99% वो तो 100% ही रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप सेट करते हैं तो ये वाला और ये वाला कितनी भी कोशिश कर लो दोनों अलग अलग ऊपर नीचे होते हैं, होता ही है, भले 0.1 में आएगा लेकिन आएगा जरूर। तो इसके लिए कंपनी ने इसमें इनोवेशन की है कि वो यहाँ से सिंगल से आप वहाँ तक देख सकते हैं, पूरा गाला एक ही से सेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं एक ही प्लेट, बिल्कुल सही है। स्केल भी दे रखा है, यहाँ पे स्केल भी दे रखा है इन्होंने, ये छोटी छोटी बारीक की जो प्लांटिंग के सिडिलों में होती है इसको यहाँ पे सेट करके लॉक भी कर सकते हैं, यहाँ पे लॉक कर सकते हैं आप, ठीक है सर। इसके बाद हम इधर आते हैं, एक जो सबसे ज्यादा समस्या होती है कि चद्दर के नीचे ब्लॉक लगे हुए होते हैं। अच्छा, तो उनकी वजह से हमको जब खाली करना होती है लहसुन तब बहुत ज्यादा समस्या आती है। इसके अंदर आप फाइबर का देखेंगे, ये पूरा फाइबर है, इतनी आसानी से आप किसी भी सिडिल में आप खाली नहीं कर सकते, बिल्कुल इतनी आसानी से फ्लेक्सिबल है, बहुत ही फ्लेक्सिबल। उसके बाद ये नीचे चद्दर लगा रखा है जिसके थ्रू आपको सारी यहाँ पे आप बोरा लगा के सारी जो लहसुन है मतलब वो बिल्कुल एक ही जगह इधर आ जाएगा, साइड में इधर आ जाएगा, वो टिल्टेड है, इस तरह झुका हुआ है, बिल्कुल इसका कर्व इधर इस साइड है, इस तरह झुका हुआ है, ठीक है। चेचिस जो है तीन पार्ट में बना हुआ है ना, चेचिस ही देखिए आप, चेचिस में ये कि इसका चेचिस जो साधारण सिडिल डबल पार्ट में आती है, इसका चेचिस तीन पार्ट में बना हुआ है। अब तीन पार्ट में आपको ये फायदा हो जाएगा कि जो मिट्टी फंसती है दांतों के बीच, क्योंकि एक तो पहले ही ये चेचिस जो है, इस चेचिस को 19 से 21 दांत लगते हैं, कंजस्टेड है पहले से, और उसके अंदर जब अगर उसके दो पे बनाया जाए, यानी कि उसको चौड़ाई में भी कम कर दिया जाए तो उसके अंदर मिट्टी फंसेंगे, बिल्कुल बेले फंसेंगे, मिट्टी के बेले बिल्कुल फंसेंगे, इसमें वो ढेले फंसने की समस्या खत्म कर दी है तीन अलग अलग चेचिस पे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा एक सेटिंग इसमें और है, ठीक है, दो पेटी अपन ने देखी, एक एक्स्ट्रा पेटी अपन इसमें और अटैच कर सकते हैं, ये असेंबल हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या है, जो बारीक फसलें हैं जैसे प्याज का कण हुआ, कलौंजी हुई, ठीक है, इस टाइप की जो बारीक फसलें हैं उनको अलग से, वो सिस्टम पूरा अलग हो जाएगा, उनको अलग से इस बॉक्स में सेट करके वो भी अपन इसमें बोनिंग कर सकते हैं। तो भाई साहब, ये जो अलग से पेटी दे रखी है ये किस काम की है, क्या काम आती है ये बारीक धान के लिए, है ना, जो बारीक फसलें हैं, बारीक फसल जैसे प्याज, तिल, जीरा, अलसी, मतलब कुल मिला के जितनी भी बारीक फसलें हैं उनको इसमें अलग से, उसका कनेक्शन मतलब हट जाएगा, वो उसका संबंध ही नहीं है ना, इसमें डाल के यहाँ पर सेटिंग करके, ठीक है, बारीक फसलों को अपन एक ही सीडिल से इससे अपन बो सकते हैं। ये क्या सेटिंग दे रखी भाई साहब इसमें, ये बारीक धान को बिखेरने का काम करेगा। अच्छा, क्या क्या सुविधा लगी हुई है देखो आप, ठीक है, देख सकते हैं भाइयों अपन, जैसे कि अपन एक तो लाइन वाली जैसे चीजें चल रही है, जैसे बारीक फसलों को लाइन से अपन लगाते हैं, एक तो वो है, एक अपन नेचुरली जो किसान हाथ से जो फूंकता है वही वाला काम, ठीक है, वही वाला काम, जैसे कि यहाँ से नली के अंदर से बीज जाएगा तो अपन देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल यूं टाइडिया टाइप दे रखी है, इस टाइप से, है ना, ये अपन यहाँ से तो बिल्कुल बिखरता हुआ इस टाइप से, है ना, बिखरता हुआ आपका जो फसल का बीज है वो बिल्कुल बिखर के पूरे पार्टी में एक जैसा फैल जाएगा, ठीक है, बढ़िया सुविधा, ये मेरे को चीज बहुत अच्छी लगी, देख सकते हैं ना। अब इसमें एक चीज और है भाइयों के, गियर सिस्टम, है ना, मशीनों में अक्सर अपन देख रहे हैं, जैसे अभी चम्मच वाली जो चल रही है उसमें
केयर सिस्टम दे रखा हुआ रहता है, जितनी आपको दूरी बढ़ानी है या घटानी है उस हिसाब से अपन गियर उसमें चेंज कर सकते हैं। तो वो क्या कि मैन्युअली अपने को करनी पड़ेगी, यानी कि चेन उतार के एक गिरारी पे से दूसरी गिरारी पे चढ़ानी पड़ेगी, तब जाके वो गियर चेंज होगा। इस वाली मशीन में गियर सिस्टम दिया है भाइयों, ठीक है, वो अपन शुभम भाई से समझेंगे। अब ये गियर कैसे काम करता है, ठीक है, आपको चेन उतारने चढ़ाने की जरूरत नहीं, ये गियर कैसे काम करता है ये अपन शुभम भाई से समझेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर दे रखा है एक जो गियर है ना, गियर सिस्टम जैसा कि मैंने आपको बताया मैन्युअली अपन करते हैं, तो इसमें क्या है कि डायरेक्ट कंपनी ने गियर दे दिया डायरेक्ट अपन यहाँ को, जैसे कि 1, 2, 3 और 4। तो शुभम भैया ये कैसे काम करता है ना, पहले तो ये बताया इसकी जरूरत क्यों पड़ी इसमें। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि सर जैसे आप यहाँ से हम एक स्केल बना के माप लेते हैं जी, कि जब आपको इस दूरी के अंदर अगर आपको 4 लहसुन गिराना है तो ठीक है, ठीक है, आपको 8 लहसुन गिराना है तो ये वाला जो गाला है जी, यहाँ से जब आप गाला सेट करेंगे तो जब आप 8 के लिए करेंगे तो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ गिरेगी, बराबर 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 बराबर, जहाँ पे गिरेगी वहाँ 2-2 गिरेगी, 2-2 गिरेगी, ठीक है। पर अगर आपको यहाँ पर बीच बीच में भी ये गिरानी है, यानी दूरी जो है चाल बढ़ाना है, कुल मिला के चाल बढ़ाने का एक तरीका ये है जो कि गलत है, गलत है। आपको अगर समतल दूरी के ऊपर गिराना है जी, उसके लिए गियर बॉक्स है, क्या करता है तो कैसे काम करेगा, ये जो आपका पहिया है जी, ये उसी स्पीड से घूम रहा है, आपका ट्रैक्टर उसी स्पीड से चल रहा है, ट्रैक्टर की स्पीड सेम रहेगी, पर आपकी जो गियर की स्पीड वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके लिए आप देखोगे यहाँ पर एक गियर बॉक्स है जो इस पहिए और इस ड्राइंग शाफ्ट के बीच में, पूरे ड्राइंग शाफ्ट के बीच में एक गियर बॉक्स लगा, बिल्कुल अलग अलग गिर्री के इस पे गियर है, ठीक है, अलग अलग गियर के अलग अलग दांते के, जो अलग अलग आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और हमारे पास 5 तक पॉइंट है, 5 अलग अलग पॉइंट के ऊपर चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। हम अभी इसका एक लाइव डेमो भी देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आप देख रहे हैं ये अभी 5 की स्पीड देख सकते हैं अपन, है ना, पहिया एक जैसी चाल से घूमेगा, यानी ट्रैक्टर एक सेम स्पीड में चल रहा है, ठीक है। अब इस वाले गियर में यानी कि 5वें गियर में अपन इसकी रोटर की स्पीड अपन देख सकते हैं, ठीक है। अब शुभम भाई यहाँ से गियर चेंज करेंगे, अपन रोटर पर ध्यान रखेंगे, ये गियर चेंज हो गया, ठीक है, ठीक है। अब नंबर 3 पे शुभम भाई ने नंबर 3 पे डाल दिया है, तो इसकी चाल जो है कम हो गई, ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट अपन 2 पे करेंगे तो चाल और कम हो गई, पहिए की स्पीड वही है, ट्रैक्टर वही चल रहा है, लेकिन यहाँ से जो रोटर है, रोटर की चाल जो कम हो गई है, ठीक है, ठीक है। ये 5वें पे है रोटर, अपन देख सकते हैं काफी स्पीड से घूम रहे हैं, ये 4थे पे हो गया, ठीक है, 4थे से 3रे पे हो गया, चाल कम हो गई, ठीक है। ये 1st पे आ गया, पहिया वही घूम रहा है, यानी ट्रैक्टर, हाँ ट्रैक्टर उसी स्पीड में चल रहा है, और इसकी पहले गियर पर चाल देख सकते हैं अपन, तो कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त एक टेक्निकली, ठीक है, इसको 5 पे चला के देखते हैं, ये देख सकते हैं ये बढ़ गई चाल, बिल्कुल 5 गुना चाल, 1 से बिल्कुल 5 गुना चाल बढ़ गई, तो बढ़िया सिस्टम है मैन्युअली इसमें, ये जो सिस्टम है वो भी देख रहे हैं, हाँ सिस्टम पहले भी होता था सीकरों में, अच्छा उसके लिए मेंटेनेंस बहुत ज्यादा लगता है, अच्छा अच्छा, यहाँ की जो गरारी है वो चेंज होती थी, चेन उतारनी पड़ती थी, हाँ चेन उतारने के बाद ये सिस्टम हो पाता, अच्छा, और किसान इसी कारण से इतने लंबे प्रोसीजर के कारण ये चाल कम ज्यादा नहीं करता था, ठीक है। इस गियर बॉक्स की मदद से आप चलते खेत में, अगर आपको अपना कुछ हिस्सा बोने के बाद आपको लगता है कि मुझे अब स्पीड चेंज करनी है, मुझे अब कली से कली की दूरी चेंज करनी है, वो इस गियर बॉक्स की मदद से कर सकते हैं डायरेक्ट, इधर कुछ गियर वेयर चेंज करने की जरूरत नहीं, चेन उतार के ना दूसरे गियर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप तो यहाँ से इसको चेंज करो। इसका मेन मोटिव ही है कि आपके हिसाब से कस्टमाइज़ेबल, आपको किस तरह का कस्टमाइजेशन चाहिए, आप किसी सीडल के ऊपर ये गियर बॉक्स लगवा चाहते हैं, नहीं लगवाना आप नहीं लगवा सकते जी, इसके ऊपर आपको वो वाली जीरे वाली पेटी लगवाना है आप लगवा सकते हैं, ठीक है। इसी सिस्टम के ऊपर अगर आपको सोयाबीन की एक एक दानों वाला सिस्टम की पेटी लगवानी, अच्छा अच्छा, लगवा सकते इसी के ऊपर, इसी के ऊपर सब हो जाए, ठीक है ठीक है ठीक है, पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल है जी, आपको जो जो प्लांटिंग के क्षेत्र में इनोवेशन चाहिए सब इसके ऊपर हो जाएगा जी 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 जी। ये जो अपन ने शेड्यूल देखी, अब इसमें अपन जो 16 तरह की मैं आपको बता रहा था चार्ट पे, वो जो अपन फसलें बो सकते हैं, तो क्या उसमें मैकेनिज्म काम करता है शुभम भाई हमें बताएंगे, ठीक है। 16 तरह की जो फसल मैंने आपको बताई थी वो कैसे काम करेगा और क्या गियर लगेंगे उस हिसाब से शुभम भाई हमको समझाएंगे। हाँ सर, इसके अंदर सर हम कुल तरह की इस तरह की सारी ये सारी फसलें जो आप देख सकते हैं अलग अलग गियर है, जी, अलग जी, अलग फसलें, ये सारी फसलें बो सकते हैं, अच्छा अच्छा। इसमें से आप पूछेंगे हमको कितने गियर देते हैं साथ में, हाँ, वो गियर तो अंदर इंस्टॉल्ड आते हैं, बिल्कुल, का और लहसुन का, हाँ, उसके अलावा 5 तरह के गियर, हाँ, इनमें से आप चूज कर सकते हैं, अच्छा, जो आपके क्षेत्र में जो आपकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है आपके एरिया के हिसाब से, बिल्कुल 5 तरह के जो गियर है, हाँ, वो हम आपको साथ में मुफ्त देंगे जी, जो गियर आपके उसके अंदर आएंगे टोटल मिला के आपको 7 तरह के, 7 गियर मतलब इनबिल्ड रहेंगे हमारे। मालवा के हिसाब से आप चना ले सकते हैं, आप मक्का ले सकते हैं, बिल्कुल मक्का
के बाद आप जीरा ले सकते हैं, जीरा ले सकते हैं, आपका भी हो जाएगा। उसके बाद आप सोयाबीन, गेहूँ, मूंग ले सकते हैं। ये तीनों एक ही पे चलेंगे, ये तीनों चार और चार ही पे, मतलब ये वाला गेयर, ये वाला गेयर जो है इसके अंदर मूंग हो सकता है, सोयाबीन हो सकता है, गेहूँ हो सकता है आपका, बिल्कुल। उसके बाद मूंगफली वाले क्षेत्र वाले मूंगफली के लिए भी ले सकते हैं, मूंगफली के लिए ये वाला गेयर काम, ये वाला और ये सबसे पॉपुलर गेयर जो है जिसको लहसुन वाला, ये लहसुन वाला गेयर इससे उपयोग कर सकते, ये वाला। बाकी क्षेत्र के लोग ये सारी फसलें हैं, सारी फसलों का बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है भैया, तो ये चार्ट बहुत ही बढ़िया समझने के लिए, ठीक है। जैसी फसल, जैसे अब ये जो है लहसुन के लिए है ना, इतने प्रकार की अपन इसमें गेयर लगा के सीडिल का उपयोग कर सकते हैं। तो शुभम भैया, 2024 में, ठीक है, 2024 में धरती का जो आपका ये जो सीडिल है दो वेरिएंट में आ रहा है, ठीक है, 21 दाते 19 दाते, तो दोनों की 2024 में कीमत क्या है? दोनों की कीमत देखा जाए, हाँ, तो वैसे तो कंपनी की कीमत पर अभी हम कुछ दिनों के लिए प्री सीजन डिस्काउंट चला रहे हैं जी। तो जो सीड्रिल 19 दाते में डबल पेटी में 1,00,000 की पड़ रही थी, हम उसको अभी डिस्काउंट के लिए अगले 15 दिन तक 95,000 में दे रहे हैं, ठीक है। और जो सीड्रिल 98,000 की पड़ रही थी, ठीक है, उसको हम जो सीड्रिल 1,03,000 की पड़ रही थी उसको हम 98,000 में दे, ठीक है, ये 5,000 का डिस्काउंट हमारी तरफ से चला रहे हैं। इसके अलावा इसके ऊपर जो एसएससी लगती है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, बढ़ती जाएगी, जो आपको फैसिलिटी लेना है उस हिसाब से इसकी कीमत बढ़ जाएगी, इसकी 6,000 रुपए कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी। हमारी तरफ से जो डबल व्हील है, ये डबल पहिया है, हमारी तरफ से साथ में इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड आएगा। आपको जाना था डबल पेटी में, हमारे पास 17 दाते जी उपलब्ध है इसके अंदर, ठीक है। कुल मिला के आपको बुल ड्रिवन से लगाकर ट्रैक्टर ड्रिवन तक सब तरह की मशीनें हर रेंज में मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। 17 दाते, 19 दाते, 21 दाते, ठीक है। इसमें पाली का एक जो दाता आता है जी, हाँ हाँ, ये पाली का एक दाता जो आता है, क्योंकि आजकल जनरलाइज ही हो गया, नॉर्मल ही हो गया, तो पाली का एक दाता छोटा भी आ रहा है इसके। अच्छा 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 अच्छा, तो ये कीमत रहेगी सर। बाकी आप किसी भी समय हमारी फॉर्म से संपर्क कर सकते हैं, जैसे रेलवे एजेंसी आप देख सकते हैं हमारे पास जी।